वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी के स्टाफ में को देखिए। अभी मैं ये देख रहा था आप लोगों का, ये मुझे बड़ा खुशी हुई कि जर्नलिस्ट जो है एडुकेशन और जर्नलिस्ट एक साथ मिशन कर रहे हैं। इसमें काफ़ी बहुत सीनियर लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं जो कि जर्नलिज्म में, जर्नलिज्म और के बगैर से कोई भी चीज़ आगे चलती नहीं है। क्योंकि मैं तो कम से कम ये कहूँगा कि मैं उस दौर में आदमी हूँ जहाँ हम अखबार पढ़ते थे और रेडियो पाकिस्तान और अखबार और टीवी जब आता था मेरे ख्याल से कुछ घंटों में जब आता था और वो खत्म हो जाता था। आज की दौर तो मेरे ख्याल से हर मिनट खबरें भी आ रही है, हम तो सुबह का इंतजार करते थे कि फजर के बाद जो अखबार आता था। तो आज ये बड़ी खुशहाली बात है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना आप लोग के साथ आगे जा रहे हैं, एजुकेशन की आगे चल रहे हैं। मतलब मैं ये कहूँगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम उम्र के हिसाब से तब निकल जा रहे हैं, मगर मैं कहूँगा आजकल के जो नौजवान है जिस हिसाब से जो इंफॉर्मेशन और जो एजुकेशन इन्वॉल्व का है, मैं अपने लिए कहूँगा कि हमसे बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो नई नस्ल आ रही है वो काफी आगे जाएगी और ये बहुत खुशहाली चीज है कि पाकिस्तान भी इसी सेंट में तरक्की कर रहा है। और जर्नलिज्म जैसे साहब ने कहा कि जो अपोजिशन में होते हैं, और बिल्कुल सही कहा, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम सियासत में जो है, हम जब हुकूमत में होते हैं हमें सब कुछ अच्छा सुनने की आदत हो जाती है और हमें जो है बुरा सुनना बुरा लगता है। ये अगर ये गलत है मेरे ख्याल से, अगर कोई चीज तनकीद हो रही है और गलत हो रहा है तो हमें रियलाइज करना चाहिए कि हमें सुनना चाहिए। उसके लिए चाहे हुकूमत में हो चाहे ऑपोजिशन में हो, बदकिस्मती से मेरा इतना सियासत से ताल्लुक मतलब कम रहा है, मतलब कुछ ही अरसे का मैं कारोबार से मेरा समझता है। चीजों को हम अगर जब तक सियासतदान और हम सब मिलकर अपना विजन और प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़े नहीं होंगे, सियासत में आम आदमी में होता है कि लोग जो है मैं ये कहूंगा कि चेंजेस बड़ी जल्दी लेके आ जाते हैं, प्रिंसिपल्स के ऊपर हम खड़े नहीं हो रहे हैं। अगर देखिए हम कोई भी सियासी पार्टी को अपने असूलों पर खड़ा होना चाहिए और ये देखना चाहिए चाहे उसमें नफा हो या नुकसान हो। और जर्नलिस्ट से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए आप लोग जो है भाई आप लोग के मेरे ख्याल से बात किरदार है, जो भी आप लोग कहें मैं कहूंगा कि वो सच और हकीकत को ज्यादा हो, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। ये यंग जनरेशन भी और सीनियर भी बैठे मेरे ख्याल से देखे थोड़ा अरसा एक वक्त पे होगा जब थोड़ा किसी को बुरा लगेगा कि अगर आप उसको तनकीद करें, मगर बाद में वो अंदर भी रियलाइज करेंगे कि मैं ये सच बोल रहा है और कहीं ना कहीं उसके दिल में होगा कि यार मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूं, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। तो मैं ये कहूंगा दोबारा आप लोग से कि जी आप लोग का हमें साथ चाहिए, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे हुकूमत हो, ठीक है, जब आप लोग के साथ होगा तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। देखिए अभी आपको मैंने ये एसोसिएशन बनाया है, ये यूनिवर्सिटीज बन रही है, कॉलेज, हमारे टाइम पे तो इतने एजुकेशन कुछ हिंदी के कॉलेजेस थे, आज तो माशाल्लाह से प्राइवेट सेक्टर में भी बन गया, यूनिवर्सिटी बना जाकर देखता हूँ तो वो जो जंगल होना था आज वो पूरा शहर है, उससे आगे भी शहर है। तो मैं तो अपनी जवान नस्ल से यही कहूंगा कि एजुकेशन पे जोर दें और मेरे ख्याल से इट्स अ मस्ट। मैं खुद एक एजुकेशनल फैमिली से ग्राउंड करता हूँ तो इसलिए मेरा एजुकेशन पे ज्यादा जोर है। मेरे दादा जो है एस एम कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, मेरे इस्लामिया कॉलेज के पहले प्रिंसिपल रह चुके हैं पार्टीशन के बाद, तो मेरे वालिद साहब प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो मैं तो एजुकेशन लाइन से काफी मेरा वास्ता है। तो इसलिए मैं हमेशा ही कहूंगा कि बगैर एजुकेशन के कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तमाम साथी हजरात का बेहद शुक्रिया, अपनी ग्रैनेज की प्रतिनिधि का बेहद शुक्रिया, सुबह सुबह आने का बेहद शुक्रिया। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो टाइम आ रहा है और फिर भी कुछ प्रकार का माहौल आ रहा है जहां हम फेस टू फेस और हाइब्रिड और ऑनलाइन के हिसाब से बात करते हैं, मगर आपका और हमारा ताल्लुक जिस चीज से है वो है कनेक्शन, और कनेक्शन एक ही सूरत से हो सकता है जहां हमारे कनेक्शन जरूर हो। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि इस आज की तकनीक का क्रेडिट उन सब लोगों को जाता है
जिन्होंने इस चीज के बारे में सोचा और इस ख्वाब को शर्मिंदा तामीर किया। दो साल तीन साल बहुत पुराना ताल्लुक रहा है जब से हमारी मास कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज का डिपार्टमेंट काम कर रहा था, कि मैंने ये ख्वाहिश थी कि हम एक्चुअली जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंडस्ट्री के साथ अपने बच्चों को लगाते हैं, तो मीडिया में जर्नलिज्म के साथ क्यों नहीं इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि जर्नलिस्ट है उसको लगाते हैं। और इसकी इंशाल्लाह ताला आपको हमको सबको इसका बड़ा फायदा होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही रिक्वेस्ट होगी कि एज एन एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट हमारे कुछ जिस तरह प्रोग्राम इवेंट्स अभी रुपयों ने बताए हैं वो हम जरूर रखें, मगर मैं जरूर चाहूंगी कि वंस इन अ मंथ हम कुछ ऐसे प्रोग्राम रखें जिसमें हम सिर्फ एक शाम किसी नाम के साथ करें और उसमें ये सारे जर्नलिस्ट आए। और मेरा ख्याल है हर रोज ऐसे बहुत से इवेंट्स हो रहे होते हैं जिसके बारे में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ मिलती रहती हैं। बच्चे इसको कैसे इवैल्यूएट करें, बच्चों को छोड़ें हम खुद कैसे इवैल्यूएट करें, इसकी भी बड़ी वैल्यू होती है। और आप लोग जिस प्रोफेशन से हैं वहां किसी भी चीज की हाई बनाना मुश्किल नहीं है, तो आप लोगों को इसके सिलसिले में हमारी जो भी मदद चाहिए होगी वो भी हम करेंगे। और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी सिलसिले में मदद करें कि जो बच्चा ग्रेजुएट करके निकलेगा इसमें मास कम्युनिकेशन में, वो इतना फुल्ली इक्विप होना चाहिए कि वो कैसे आगे बढ़े। उसकी सबसे बड़ी चीज तो मैं ये कहूंगी कि लैंग्वेज है। बड़ी मुश्किलों से बड़ी कोशिशों से अंग्रेजी से उर्दू पर भी ला रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इस जबान की बेइंतहा जरूरत है। अंग्रेजी तो हम सीख ही जाते हैं लेकिन उर्दू के लिए भी बड़ी जरूरत है। और ऑब्वियसली दे हैव टू कम्पीट इन द एंटायर इंटरनेशनल मीडिया एज वेल, सो दे हैव टू बी गुड इन इंग्लिश एज वेल, सो वी हैव टू वर्क इट ओवर दैट हाउ वी शुड प्रोसीड इन एवरी वे। सिर्फ इंफॉर्मेशन जर्नलिज्म नहीं, लैंग्वेज के बहुत सारे हवालों से है। मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप लोगों का पूरा इनपुट मिले हमारे साथ और हम इस गुंजा के प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी कर सकते हैं वो आपके साथ जरूर करें। मैं उन साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस आपने एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है, और तमाम दोस्तों का शुक्रिया, और इकबाल जमील साहब का जो हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और ऐसी चीजें जो है वो इनिशिएट करने में उनका बड़ा माजी में भी किरदार रहा है। और जब वो गूजा को हम देखते हैं तो हमें कूजा भी याद आती है। आपको याद होगा कि कराची यूनिवर्सिटी ने भी इस तरह की एक एक्टिविटी की थी, तो वो भी अभी भी है शायद। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जो जर्नलिस्ट है वो जिस वक्त एक है कि हर प्रोफेशन का ना एक पैशन होता है, तो जिस वक्त हम स्टार्ट करते हैं वो पहले 5 साल बड़े मुश्किल होते हैं किसी भी प्रोफेशन के। और हमारे लिए भी थे कि उस वक्त किसी वक्त ऐसा भी एक वक्त आता है लगता है कि शायद गलत जगह आ गए, लेकिन जो सीनियर होते हैं वो इसमें बड़े मुआवन होते हैं, वो आपका हौसला भी बढ़ाते हैं। और खास तौर पर जो डिफिकल्टीज शुरू में आती हैं, शादी के भी पहले 5 साल बड़े मुश्किल होते हैं, इसी तरह प्रोफेशन के भी 5 साल मुश्किल होते हैं, लेकिन उसके बाद तो कहते हैं ना मुश्किलें इस कदर पड़ी कि आसान होगी, फिर इंसान जो है उसमें खेलना शुरू करता है, उसमें सीखता है, आगे बढ़ना शुरू करता है, तैरना शुरू कर देता है अपने उस मैदान में, उस समंदर में। तो हम भी बड़े खुशकिस्मत रहे हैं इस हवाले से कि हमें भी ऐसे दोस्त साथी उस असाज़ा में असर आए कि जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में, और आज भी हम उनसे रहनुमाई लेते हैं, और ये सीखने का अमल जो है वो हमेशा रहता है। एक दो चीजें हैं जो मैं यहाँ पे ऐड कर दूं। मेरा ख्याल है कि जो जर्नलिज्म प्रोफेशन है उसको ऑर्गेनाइज करने में आपका ये इदारा मैडम बहुत मुआवनत करेगा। बहुत हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम वाकई होती है कि ये वो एक प्रोफेशन है जिसको हर गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है। जब वो सियासी लोग तो हमारे या सियासी पार्टियों का जो भी कल्चर है, जिस वक्त वो अपोजिशन में होते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी और आपकी जंग एक है,
लेकिन जिस वक्त उनको पावर मिलती है तो वो कहते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, ये हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो एक गैप है समझने का, मेरा ख्याल है कि ये यूनिवर्सिटी के लेवल पे जब डिस्कशन होगी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब एसोसिएशंस किसी भी प्रोफेशन के लोग मिलके बनाते हैं उसका एक लेवल और होता है, लेकिन ये जो थिंक टैंक होगा ये मेरा ख्याल है इस चीज को जरूर जो है वो एड्रेस करेगा, और जो पॉलिसीज हैं उसको अगर ज्यादा डिस्कशन में लाया जाएगा तो मेरा ख्याल है कि अच्छी अप्रोच के साथ जो सजेशन है आप हायर अथॉरिटीज तक पहुंचा सकेंगे। खासतौर पर इस वक्त दो तीन चीजें बड़ी अहम है। अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो है वो हुई है, उस पर बड़ी डिबेट हो रही है, तो उन्होंने भी एक पॉइंट रखा है फेक न्यूज, कि फेक न्यूज जो है वो बहुत फैली हुई है सोशल मीडिया पर, फैली या अदरवाइज। रात को मुझे एक पोस्ट एक हमारे दोस्त ने भेजी और उसमें गवर्नर स्टेट बैंक की सैलरी जो हाई जिसके ऊपर बात होती है उन्होंने एक कंपैरिजन भेजा, तो मैंने उसको किसी जगह पोस्ट करने के बजाय मैंने स्टेट बैंक से पूछा उनके तर्जमान से कि ये चीज चल रही है आप इस पे क्या राय है। उन्होंने कहा ये फेक है, तो लोगों को कहने ये जवाब क्यों नहीं देते। अब इतनी बम्बारमेंट है इंफॉर्मेशन या फेक न्यूज की, तो एक तो फेक न्यूज आज के दौर का बहुत बड़ा चैलेंज है, दूसरी बात यह है कि जो प्रोफेशन को हम ऑर्गेनाइज की जो मैं बात कर रहा हूं कि जर्नलिस्ट का एक चीज गवर्नमेंट कहती है जर्नलिस्ट किसको तस्लीम किया जाए, सूबे के लेवल पे एक रजिस्ट्रेशन होती है, मरकज जो है वो उसको किस तरह लेता है, और हमारे जो इदारे गवर्नमेंट के बने हुए हैं उनका इसमें क्या रोल है। मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट ने अभी एक प्रपोज किया हुआ है, तो ये वो चार पांच चीजें हैं जो मेरा पहले गुजा के प्लेटफॉर्म से हम डिस्कस करके, और जो सीनियर्स भी बहुत से हमारे साथ मौजूद होंगे तो एक चीज ऐसी हम प्रेजेंट कर सकेंगे कि वाकई उसको एक अच्छा डॉक्यूमेंट जो है वो तसव्वुर किया जाएगा। इसमें अगर मेरी तजवीज के मुताबिक अगर आप इसमें एक रेडियो का इंटरनेशनल डे भी इंक्लूड कर ले, रेडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ऐसा शोभा है जिसका सबसे सस्ता सॉफ्टवेयर है। आप तशरीफ फरमाए कि रेडियो का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा सस्ता सॉफ्टवेयर है, जिसमें दुनिया में 50,000 से ज्यादा रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं, तो लिहाजा जो हमारी जो लैंग्वेज और हमारा तलफ्फुज़ जो है वो अगर दुरुस्त करता है तो वो रेडियो करता है, एक तो उसको आप शामिल कर सकते हैं। और जो आपने पहली मेंबरान के लिए बात की है, तो हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कराची एडिटर्स क्लब जो हमारा इदारा है उसके प्लेटफॉर्म से डॉक्टर आर फलवी साहब को भी ये तजवीज किया था, वो भी कई यूनिवर्सिटियों के चांसलर हैं, कि जो हमारे सीनियर लोग हैं जर्नलिज्म में उनको आप अपनी विजिटिंग फैकल्टी में जरूर जगह दें और उनके तजर्बे से इस्तेफादा करें। बहुत शुक्रिया। बड़ी अशद जरूरत थी जो आपने मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया, ये जर्नलिस्ट गुजर को इंट्रोड्यूस किया है, और अभी बड़ा सही हमारे जो सबसे पहले मुकर्र थे हमारे काबिले एहतराम जो एडिटर एसोसिएशन के, तो उन्होंने जो रेडियो की बात की तो बिल्कुल रेडियो को जो है इसमें शामिल करना चाहिए। मेरा भी कैरियर जैसे एहसान कुरैशी भाई ने कहा कि स्पोर्ट्स से, तो मैं 1987 में मैंने जो कराची में पहला वर्ल्ड कप हुआ था उसको मैंने कवर किया था, और उसके बाद 92 से मैंने कॉमेंट्री स्टार्ट की, अब तक मैं कौमी और बैन अवी सतह पर जिसमें ओलंपिक वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी एशियन गेम्स मुल्क और बैरून मुल्क मैंने 970-80 मैचेस की कॉमेंट्री की है। पाकिस्तान टेलीविजन के यहाँ हमारे साथी जुबैर भाई अरशद नदीम बैठे, तो इनके साथ हमने बड़ा काम किया है, बड़ा रेडियो से मतलब ये कि जो बात की गई और एहसान भाई ने जैसे टेलीविजन की बात की, तो यकीन ये चीजें जो है बड़ी मतलब जो इस इंस्टीट्यूशन में रहता है उसको बड़ा सीखने का मौका मिलता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उसको बात करने का मौका मिलता है। और मैं ये समझता हूँ कि रेडियो जो है जैसा कि हमारे पहले मुकर्रर थे उन्होंने कहा कि रेडियो जो है उसको शामिल किया गया, तो मैं खुद ये समझता हूँ कि जब हमने रेडियो से स्टार्ट किया था तो हमने रेडियो से प्रोग्राम करने शुरू किए थे, और वहां पर जितने भी मतलब रेडियो के हमारे सीनियर साथी थे वो हमें ये बताते थे कि आपने किस तरह से जुमलों की अदायगी करनी है, किस तरह से आपने बात करनी है, और वो जो रेडियो की हमारी चीज थी जब हम रेडियो पर प्रोग्राम किया करते थे, मोहम्मद नकी साहब थे, यावर मेहंदी साहब थे और भी दूसरे हसन बलोच साहब थे,
तो वो हमें बाकायदा सिखाते थे कि आपने कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, आपने किस तरह से बात करनी है, आपकी साउंड और पिच क्या होगी, आपके अल्फाजों का चुनाव क्या होगा। तो ये जो है बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। और जैसा मैं थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बताया कि मैं 1987 से जंग ग्रुप से वाबस्ता रहा और अभी तक 2016-17 तक मैं उससे वाबस्ता रहा। इस दौरान मैंने कमेंट्री भी की, जैसा मैंने बताया 970-980 मैचेस में टेलीविजन पे, रेडियो पे, इंटरनेशनल नेशनली। तो रेडियो से जो हमने प्रोग्राम शुरू किए थे उससे हमें बड़ी मदद मिली टेलीविजन पे, और इस तरह लिखने लिखाने में भी मदद मिली। अल्लाह के फजल करम से मैं मतलब ये बताना चाहूंगा कि मेरे 1500 आर्टिकल है वो जंग ग्रुप की वेबसाइट में जो हमने पढ़े था, मैं गया डेली न्यूज के लिए लिखे। इसी तरह से 100 से ज्यादा हमने इंटरव्यूज किए जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात जैसे एहसान भाई ने कहा, इमरान खान के इंटरव्यू हमने 2 मरतबा किए, जहांगीर खान, जमशेद खान, आमिर खान, बॉक्सर, दुनिया का कोई भी बड़ा खिलाड़ी जो पाकिस्तान का या बड़ा, उसके हमने इंटरव्यूज न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरोमिन मुल्क में किए। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी ने जो इस वक्त मतलब इस चीज को इंट्रोड्यूस किया है, और जिस तरह से इकबाल जमील भाई को हम देखते रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन से लेके आज तक, और जिस तरह से आजकल ये यूट्यूब पे प्रोग्राम करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह की जो शख्सियात हैं जब सामने आती हैं तो इनका जो मतलब जो इनकी जो एक्सपर्टीज है, इनका जो एक्सपोजर है और इनका जो एक्सपीरियंस है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि वो किस तरह से उन्होंने शुरू से लेके यहाँ तक मतलब मेहनत की और इस तरह से आए। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के क्याम के बाद मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी चीजें जब निकल के सामने आएंगी और जो हमारे आइंदा के जो स्टूडेंट्स आएंगे वो यकीनन एक बेहतरीन और इस जदीद दौर के मुताबिक आएंगे। जैसा कि आपने हमारे पहले मुकर्रर थे उन्होंने कहा कि जब अपोजिशन में हम होते हैं तो मतलब जो जमातें होती हैं वो कहते हैं हम और आप साथ हैं, जब वो जाहिर इकतदार में आते हैं तो उनका एटीट्यूड और उनका रिस्पॉन्स जो है कुछ और होता है। पर इस बड़ी अच्छी बात की आपने कहा कि इस गैप को कम करने की जरूरत है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जो पहली मरतबा इस तरह से आपने गुजर का क्याम अमल में लेके आया है, तो मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा क्रिएशन है और पाकिस्तान में इस चीज की बड़ी जरूरत थी। और जब इस तरह के मतलब यहाँ पे लोग एजुकेशन हासिल करेंगे तो इंटरनेशनली जो है उनको बड़ी सपोर्ट मिलेगी, और हम जो है जिस तरह से दूसरे शोबों में हम अल्लाह के फजल से जहाँ हमारे ये इसमें कोई शक नहीं कि आज हमारे जो माशा है उसकी इकलौती अवदार जो है वो कलेक्ट करती जा रही है और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे में उसका आप देख रिफ्लेक्शन भी देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी बहुत सी चीजें जो है बहुत अच्छी हैं, उस पर हमें फख्र भी करना चाहिए, उसको हम बयान भी कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है यहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन मैं बैठे, रियाज साहब, रवि दर्शन साहब, शेख हमारे